हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज एक पर्ल बैग बनाने वाले हैं। उसके लिए दो तरह के बीड्स चाहिए और ये रॉक सूता चाहिए, उसके बाद एक सीज़र चाहिए। आप ये बीड्स कलर कस्टमाइज़ कर सकते हो, तो बस इतना ही सामान लगेगा। तो सबसे पहले हम ये थ्रेड को कट कर लेंगे जितना हमें चाहिए, लगभग 1 मीटर के आसपास आप कट कर लीजिएगा। उसके बाद 3 वाइट कलर के बीड्स और 2 साइड में 2 रेड कलर के बीड्स ऐसे आपको डालने हैं। और लास्ट में जो रेड कलर के बीड्स है उसमें आप कोई भी एक साइड के थ्रेड से क्रॉस लगा सकते हो, बिल्कुल ऐसे। अब लेफ्ट साइड का छोड़ के हमें राइट साइड के थ्रेड पे वर्क को आगे बढ़ाना है। तो फिर से मैंने राइट साइड में 3 पर्ल बीड्स ले लिए हैं और 1 रेड कलर के लाव बीड्स। उसके बाद फिर से मैंने इसको क्रॉस कर दिया। देखिए, बिल्कुल ऐसे ही आपको करते जाना है। लेफ्ट साइड के थ्रेड को बस ऐसे ही छोड़ना है, राइट साइड के थ्रेड को आप के काम को आगे लेके जाना है राइट साइड के थ्रेड से। देखिए, और एक फ्लावर में आपको रेड कलर के लाव बीड्स 6 डालने हैं और 18 वाइट कलर के पर्ल बीड्स डालने हैं, मतलब 3 पर्ल बीड्स और 1 रेड कलर के लाव बीड्स। ऐसे 6 का राउंड होगा एक फ्लावर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मेरे 6 हो गए हैं ये रेड कलर के बीड्स। अब लेफ्ट साइड के जो थ्रेड है इसको मैं लास्ट के जो रेड कलर के बीड्स है उसके अंदर से निकाल लिया है। अभी मैं 3 और वाइट कलर के बीड्स डाल के यहाँ पे मैं लॉक लगा लूँगी। लॉक लगाने से क्या होगा, आप क्रॉस भी कर सकते हो, लेकिन लॉक लगाने से ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अभी देखिए, ये इस थ्रेड को हमें ये कॉर्नर के जो बीड्स है वहाँ पे लेके जाना है, ठीक है। देखिए मैं कैसे लेके जा रही हूँ आपको, बिल्कुल वैसे। आप कहीं पे भी आपका काम ख़त्म होता है, आपको ये थ्रेड को मिडिल के जो कोई भी एक साइड के कॉर्नर पे लेके आना है, ठीक है। मिडिल से ये नहीं होगा, या फिर आप वहाँ से कट करके यहाँ से फिर से नए एक थ्रेड लेके यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। अभी देखिए, दोनों साइड में मैंने 2 वाइट कलर के पर्ल पूती लगा लिए हैं, उसके बाद 2 रेड कलर के लगा रहे हैं। अब फिर से हम इसको क्रॉस कर देंगे, बिल्कुल ऐसे। देखिए, अब पहले जो फ्लावर हमने बनाया था बिल्कुल वैसे ही इसे भी कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, फिर से यहाँ पे मेरे 6 बीड्स हो गए। उसके बाद मैं लास्ट के जो है ना बीड्स उसके अंदर से थ्रेड को बाहर लाऊंगी, उसके बाद 3 पर्ल बीड्स डाल के इसे फिर से लॉक लगा दूंगी। बस ऐसे ही आपको कंप्लीट करते जाना है। आप लंबाई में
या फिर दोनों साइड से आप कर सकते हो, राउंड करके भी कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। आप यहाँ पे कट करके फिर नए थ्रेड लेके इस कॉर्नर से भी स्टार्ट कर सकते हो। वैसे भी आपके लिए, अगर आप नए हो तो आपके लिए इजी होगा, लेकिन मैं ऐसे ही कर रही हूँ क्योंकि मैं थ्रेड को वेस्ट नहीं करना चाहती, इसीलिए मैं एक ही थ्रेड से पूरा जो सर्किल है वो मैं बना लूँगी। आपको जैसे इजी लगे आप वैसे ही बनाइएगा। अब देखिए फिर से प्रोसेस बिल्कुल, एक फ्लावर अगर आपको बनाना आ गया तो आप सारा जो है कंप्लीट कर पाओगे पूरा एक के बाद एक, क्योंकि ये फ्लावर से ही होता है। क्योंकि एक फ्लावर आपको अगर बनाना आ गया तो आप पूरा अपने हिसाब से ही समझ जाओगे कि कैसे बनाना है, क्या करना है। तो इसलिए एक फ्लावर पहले ट्राई करो, उसके बाद आप एक ही थ्रेड से आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप थ्रेड को कट करके फिर से कॉर्नर से स्टार्ट कर सकते हो। मैं तो ऐसे ही कर रही हूँ, आप वैसे भी कर सकते हो, कट करके फिर कॉर्नर से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो ऐसे ही ये पूरा सर्कल चलता रहेगा। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं इसको, फिर मैं बताती हूँ किसके कितना कितना एक लाइन में कितना कितना फ्लावर मैंने डाला है। तो यहाँ पे देखिए मेरा दोनों लाइन हो रहा है, तो ऐसे ही करना है। अब
आगे भी मैंने कर लिया है। सबसे पहले मैंने 5 लाइन किया, 5 फ्लावर किया है एक लाइन पे, फिर मैंने 6 किया है एक लाइन पे, फिर 7 किया है, उसके बाद फिर से मैंने 6 फ्लावर किया है एक लाइन पे। अब 6 फ्लावर होने के बाद लास्ट के दोनों के बीच में मैंने एक किया है। अब इस साइड पे भी दोनों के बीच में 1 फ्लावर मैं बनाऊंगी। देखिए मैं कैसे बना रही हूँ। हर तरफ से ही आपको कॉर्नर के बीच से स्टार्ट करना है, ठीक है। बीच के बीच में से आपको स्टार्ट अगर आप करेंगे तो आपका फ्लावर नहीं होगा। हर साइड के कॉर्नर से ही आपको फ्लावर बनाना है। प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने फ्लावर बनाया है, बिल्कुल वैसे ही प्रोसेसिंग है, बस हमें कॉर्नर से स्टार्ट करना है इतना ही। तो हमारा फ्लावर यहाँ पे हो गया है, तो मैंने लॉट लगा लिया है। अभी देखिए यहाँ पे जो ये गैप है, हमें इस गैप को फिल करना है। एक एक गैप में हमें दो दो बीड्स डालने हैं, वाइट पर्ल बीड्स डालने हैं। देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, मैंने 2 लगा लिए हैं। अभी कॉर्नर के अंदर से मैं इसे बाहर निकाला, अभी फिर से 2 बीड्स डालूँगी थ्रेड के अंदर। डालने के बाद ये जो 4 बीड्स है मिडिल में, इसके अंदर से फिर से मैं बाहर लाऊंगी। देखिए अब फिर से यहाँ पे 2 बीड्स लेके, फिर से मैंने 2 बीड्स ले लिए हैं थ्रेड के अंदर। उसके बाद देखिए इसके अंदर से मैं थ्रेड को बाहर निकाल रही हूँ। अभी ऐसे ही हमें पूरा सर्कल कंप्लीट करना है। तो देखिए ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम नया एक थ्रेड ले लिया है। लेने के बाद एक किसी भी साइड से आपको बस ये जो फ्लावर है ना रेड कलर के, इसके बीच में लाना है। देखिए मैंने ये बीच में लाके यहाँ पे हमें एक एक बीड्स डालने हैं, वाइट पर्ल बीड्स। देखिए ऐसे हर फ्लावर के बीच में आपको डालते जाना है। आप इस थ्रेड को किसी भी साइड से ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अंदर से लेना है, बाहर से नहीं, ठीक है। देखिए मैं अंदर से इसे डाल के फिर बाहर किया। अब फिर दूसरे फ्लावर में जाऊंगी, ऐसे ही मैं ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर लूँगी। देखिए ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब एक्स्ट्रा जो थ्रेड है इसे हम कहीं पे भी लॉक करके कट कर देंगे। अब देखिए हमें ये राउंड के जो सर्कल है ना, उसके बीच में मतलब एकदम साइड पे हमें 6 कली का फ्लावर बनाना है, मतलब वाइट पर्ल बीड से। ये जो गोल गोल राउंड राउंड जो 6 कली का है, वैसे ही हमें साइड में 6 कली का फ्लावर बनाना है व्हाइट पर्ल के साथ, ठीक है। अब देखिए मैंने ये जो ऊपर जो था एक्स्ट्रा 1 फ्लावर, उसके मिडिल में दोनों बीड्स को, बीड्स के अंदर से थ्रेड को बाहर निकाल लिया। उसके बाद 4 बीड्स डाल के ये राउंड बना लिया है। अब फिर से देखिए, फिर से मैंने 4 बीड्स डाल लिए हैं। उसके बाद एंड में 4th नंबर बीड्स में क्रॉस लगा दिया है। बिल्कुल ऐसे ही आपको ये पूरा सर्कल कंप्लीट करना है। 2 बीड्स के अंदर से थ्रेड को निकालना है और राइट साइड के थ्रेड पे 3 पर्ल बीड्स डालना है। डालने के बाद लास्ट में जो एक लास्ट में जो पर्ल बीड्स होगा, उसके अंदर से आपको थ्रेड को क्रॉस करना है।
देख लीजिए, बिल्कुल ऐसे, ये देखिए। अब फिर से दोनों बीट्स के अंदर से, लेफ्ट साइड में दोनों बीट्स के अंदर से थ्रेड को बाहर निकालना है। देखिए यहाँ पे हो गया है, दो बीट्स के अंदर से मैंने थ्रेड को बाहर निकाला, लेफ्ट साइड वाले जो थ्रेड थे उसको बाहर निकाला। अब राइट साइड में 3 पर्ल बीट्स मैं डालूंगी, 1, 2, 3। अब थर्ड नंबर बीट्स के अंदर से लेफ्ट साइड के थ्रेड को क्रॉस लगा दूंगी, बिल्कुल ऐसे ही आपको पूरा जो सर्कल है यहाँ तक कंप्लीट करना है। देखिए मेरा हो चुका है, ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। ऐसे ही आपको एक और बनाना है, ये सर्कल जो है ऐसे आपको 2 बनाने हैं, ठीक है। ये एक हो गया और एक मैंने पहले ही बना रखा था, ये है वो। अब देखिए ऐसे आपको दोनों बनाने हैं। अब इतना ही आज के लिए, दूसरे पार्ट में इसका और एक पार्ट आएगा, तब मैं आपको इसे अटैच करना बताऊंगी और इसके हैंडल जो है उसे लगाना बताऊंगी। तब तक आप इसे प्रैक्टिस करते रहिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अब तक वीडियो के साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।